मेरा नाम जितेंद्र फाचरा, जितेंद्र पटेल। मैं वाड़द्री गांव, तहसील गोंडल, जिला राजकोट, गुजरात से। ये मेरा 1 एकड़ का आम का बाग है और इसमें जो रिजल्ट है आप देख सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है वो वेस्ट डिकम्पोजर से है, जीवामृत से है, जो अच्छी अच्छी पूरा अच्छी जो भी जंतुनाशक दवा आती है उनसे भी अच्छा रिजल्ट है। इसमें DAP यूरिया नहीं है, 100% ऑर्गेनिक अपना फार्म है। और अभी इसमें कैसे कैसे क्या होता है वो आपको भी डिटेल से बताता हूँ। अब देखिए, ये आंबा की फसल में दूसरा है कि एक फसल जो गिरता है तो उसके लिए उसको हर वीक में एक बार डिकम्पोजर 50% और अलग अलग एक बार गौमूत्र डालते हैं, एक बार जो छाछ मतलब लस्सी आती है खट्टे वाली उसका इस्तेमाल होता है, और एक 10 पत्ती वाला अर्क का यूज़ करते हैं। आपको दिखाता हूँ कि इसमें एक बोडो पेस्ट लगाया हुआ है। तो बोडो पेस्ट से क्या होता है कि इसमें नीचे वाला जो जंतु है ऊपर नहीं आता है, और जब भी हम स्प्रे करते हैं तो पूरी ये पत्ते पे करते हैं, फल पे करते हैं, डाली पे करते हैं, और नीचे वाला जो झाड़ा वाला भाग है पूरा टहनी और थल तक सब जगह पे करते हैं। उसको पानी देने का सिस्टम इसे नल लगाया हुआ है, और इसमें मल्चिंग के लिए इसका ये सब कूड़ा कचरा सब डाला हुआ है। इससे रिजल्ट बेहतरीन आता है, और वेस्ट डिकम्पोजर के अलावा और कोई जंतुनाशक दवा कुछ छाटते नहीं है। और आपको दिखाता हूँ कि और वेस्ट डिकम्पोजर से क्या क्या बनाते हैं। ये स्प्रे करने के लिए गन लिया हुआ है, और ये लंबा वाला वायर है, पूरे 1 एकड़ के अंदर इसका होता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा फाल लगा हुआ है। और ये साइड में हमने थोड़ा सा सब्जी लगाया हुआ है, ये गन्ने का है, 1 साल से पुराना हो गया फिर भी अभी इसमें कुछ सड़ा नहीं लगा है, और वेस्ट डिकम्पोज के अलावा और कुछ इसमें यूज नहीं करते हैं, बहुत बढ़िया वाला है। ये छोटा सा उनिया का छोटा सा एरिया लगाया हुआ है, और ये डब्बे के अंदर टमाटर लगाया हुआ है, टमाटर भी बहुत अच्छा आता है इसमें कोई। और ये एक बैंगन में आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा है खाने के लिए, बस घर के हिसाब से थोड़ा सा लगाया हुआ है। इसमें कोई भी जंतुनाशक दवा नहीं है, और ये थोड़ा सा मिर्ची का पेड़ डब्बे के अंदर लगाया हुआ है सब। ये पालक बहुत ही बढ़िया पालक है, बहुत ही बढ़िया देख सकते हैं। केले के झाड़ पे कुछ Thank you.